गुड मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 10 फरवरी 2021 वर्ग तृतीय विषय हिंदी, विषय हिंदी अध्याय दो। अध्याय का नाम है बालक की दयालुता। पढ़ाई होने जा रही है, आप लोग किताब पेज नंबर 11 निकाल लीजिए। और इस कहानी में आपको स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोग सुने होंगे कि स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में, स्वामी विवेकानंद की क्या बचपन का यह प्रसंग है या एक प्रकार का कहानी है जो कि उनके साथ जो बीता है वह लिखा हुआ है। और इससे यह आपको प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए, दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए, जहाँ तक बन सके उसे दान देना चाहिए। इस कहानी का यह मुख आपको यह शिक्षा मिलेगी। आप ये कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, आप कहानी को सुनिए। आप लोग जानते होंगे स्वामी विवेकानंद एक आदर्श व्यक्ति थे। वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोगों को बहुत सी कहानी मैंने बताया हूं। आज आप लोग स्वामी विवेकानंद की कहानी को, हम उनके बचपन के जीवन को बतलाने जा रहे हैं, आप लोग सुनिए। किताब निकालिए, पेज नंबर 11 पढ़ाई हो रही है। सबसे पहले इसमें शब्दार्थ देखा जाए। शब्दार्थ में देखिए दयालुता। दयालुता मतलब क्या होता है? दयालु होने का भाव। निश्चित मतलब बेफिक्र। हर्षित मतलब प्रसन्न। अनुमति मतलब स्वीकृति, इजाजत। याचकों मतलब मांगने वालों। आशीष मतलब होता आशीर्वाद। विख्यात मतलब प्रसिद्ध। गगन मतलब आकाश। रवि मतलब सूर्य। ये सब आपको शब्दार्थ भी लिखा दिए कि आपको समझ में आ जाए। शब्दार्थ लिखाने के बाद आपको इसका अर्थ अपने आपको आएगा और आपको पढ़ने की रुचि बढ़ेगी। देखिए हम कहानी शुरू करते हैं बच्चों। माँ अपने बेटों की दयालुता से बहुत परेशान थी। किनकी माँ? स्वामी विवेकानंद की माँ। कोई साधु महात्मा या भिखारी उसके द्वार से खाली हाथ नहीं जाता था। घर में जो कुछ भी उस बालक के हाथ में आता वही याचकों को दे डालता, मानी भिखारियों को, जो भी आता था उनके घर में मांगने वाला है ना, स्वामी विवेकानंद उसे दे देते। कौन सी चीज कितनी कीमती है उसकी, इसकी उसे तनिक भी चिंता नहीं थी। दीन दुखियों पर दया भाव के सामने वह सब कुछ भूल जाता था। दान देना तो माँ को भी भाता था, पर उन्हें अपने घर के खर्च की भी तो चिंता रहती थी। माता पिता को घर का चिंता रहता है, वह जो है सोच समझकर खर्च करती है माता पिता, कहाँ खर्च करना चाहिए। माँ तो सोच समझकर अपनी शक्ति के अनुसार दान देती थी। बेटे को समझाने से भी जब बात नहीं बनी तो माँ ने उसे ऊपर एक कमरे में बंद कर दिया। किसको बंद कर दिया? विवेकानंद जी को बंद कर दिया। ना वह लड़का नीचे दरवाजा तक आएगा और ना किसी मांगने वाले को घर की कोई वस्तु दे पाएगा। अब माँ अब निश्चित हो गई।
माँ सोची कि अब विवेकानंद को यदि हम बंद कर देते हैं तब तो कोई भी याचक भी आएगा 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 तो वह लौट कर चला जाएगा, दे भी दे नहीं पाएगा। पर बेटा भी कम नहीं था, वह तो डाल डाल तू डाल डाल मैं जात पा मैं पात पात यानी तू डाल डाल मैं पात पात की नीति पर चलने वाला था। ऊपर कमरे में बंद पड़े रहे पड़े पड़े उसका मन अत्यंत उदास हो गया, खिन्न हो गया। तभी नीचे द्वार पर भिखारी की पुकार सुनाई पड़ी। दरवाजे पर एक भिखारी आया। बालक ने खिड़की से नीचे झांक कर देखा, एक भिखारी नीचे द्वार पर खड़ा था। कहानी को समझते जाइए आप। उसके शरीर पर वस्त्रों के नाम पर केवल कुछ चिथड़े थे। आप लोग भी भिखारी को देखे होंगे, खुला बदन रहता है ना, और देखे होंगे आप लोग भिखारी को, जरूर देखे होंगे। उनके शरीर जो है पर कपड़ा वस्त्र नहीं रहता है, नंगा शरीर रहता है और उसका शरीर हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है, क्योंकि उसे वह समय पर भोजन बेचारा को नहीं मिल पाता है, वह भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण करता है। जब विवेकानंद उस भिखारी को उस भिक्षुक को देखा तो बालक का मन करुणा से भर गया, दया आ गई। उसने निश्चय किया कि वह भिखारी को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटने देगा। उस कमरे में कई संदूक रखे हुए थे। बालक ने एक संदूक में से कुछ कपड़े निकाले। जिस रूम में बंद कर दिया गया था विवेकानंद जी को, तो ऊपर से झांक कर देखे कि बाहर में एक भिखारी मांग रहा है, मांगने वाला आया है, याचक आया है। तो ऊपर से संदूक से निकाल दिए क्या चीज, कपड़ा फेंक दिए खिड़की से, और हर्षित होकर खुश होकर खिड़की में से नीचे भिखारी के ऊपर डाल दिया। उस अधनंगे निर्धन भिखारी की सहायता करके बालक को बहुत खुशी हुई। भिखारी बालक को आशीष देता हुआ वस्त्र लेकर चला गया। देखिए बच्चा में विवेकानंद कितना प्रतिभाशाली थे, यानी भिखारियों को भिक्षुक को पर दया आ गया और वे सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए, यानी दयालुता की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। इस प्रकार से बच्चों आप लोगों में भी दयालुता का भाव होनी चाहिए। कोई भी दीन दुखी आ जाए तो उसको आप मदद कीजिए, उसकी सहायता कीजिए, उसको दो रोटी जरूर दीजिए। ध्यान रखे माता पिता की अनुमति के बिना घर की कोई वस्तु किसी को देना उचित नहीं है, पर अपने अत्यंत दयालु स्वभाव के कारण उस बालक को इस गलती में भी अच्छाई दिखाई देती थी, है ना। इसलिए यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम हो हृदय से हो तो आप तन मन से करें। बच्चों को दीन दुखियों की सहायता करने में तो पीछे नहीं रहना चाहिए, यह सीख मिल रहा है, पर किसी को कोई वस्तु देने से पहले अपने माता पिता की अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिए। याद रखें बच्चों, तुम जानना चाहोगे कि वह दयालु बालक कौन था, क्या जवाब दीजिएगा, वह बालक था नरेंद्रनाथ, जिसको कहते हैं स्वामी विवेकानंद। समझ गए होंगे आप लोग, तो हाँ वही बालक जो है नरेंद्र, जो बचपन नाम था, वही आगे बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्व भर में विख्यात हुए। इस प्रकार से बच्चों आप लोग भी गीता पाठ जो पढ़ते हैं, प्रतिदिन जो यहाँ पढ़ाई होती है, आप लोग भी सुनिए, और आप लोगों में भी दयालुता की भावना आनी चाहिए। यदि कोई गरीब भिखारी आपके घर में आ जाए तो जरूर उसका मदद कीजिए, जो बने, रोटी हो
भात जो बने उसको दे दीजिए, खाने के लिए दीजिए, अन्न कपड़ा अवश्य दीजिए। यह जो है करने से आपको यही प्रतिभाशाली बनने का सबसे मुख्य श्रेय है। आप प्रतिभाशाली कैसे बनेंगे? दीन दुखियों की सेवा कीजिए, जो गरीब है उसका मदद कीजिए। यही इस प्रकार से आप लोगों को मैं यही कहता हूँ कि विवेकानंद जी की जो प्रेरणा है, विवेकानंद जी का की प्रेरणा को आप लोग ग्रहण कीजिए। और मैं आज आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ गीता पाठ के शुभ अवसर पर। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।